गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं ओपनसीवी लाइब्रेरी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ओपनसीवी लाइब्रेरी है क्या। ओपनसीवी का पूरा अर्थ होता है कि ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कंप्यूटर विजन, इट मीन्स कि हम इमेज पे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम ओपनसीवी कौन से लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये C++ एंड पाइथन में यूज होता है। अब जैसे कि बात करते हैं कि हम इस लाइब्रेरी को कहाँ पे यूज कर सकते हैं ओपनसीवी को। तो ओपनसीवी मेनली यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग में। जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऑपरेशन हम इमेज पर बहुत सारे ऑपरेशन वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हम इमेज को कैसे लोड करें, कोई हमारे फाइल में इमेज है तो हम उसको कैसे लोड करें। जैसे हमने कोई इमेज लिया तो उसको हम अपने किसी लोकेशन पे कैसे सेव करें, रिसाइज करें, साइज छोटा बड़ा करें, कॉपी करें, कन्वर्जन। जैसे कि हमारे पास कोई एक इमेज दिया है उसको हमें ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करें, और तो और रोटेशन में। जैसे हमारे पास कोई एक 90 डिग्री में इमेज है उसको हम अलग अलग एंगल में कैसे रोटेट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो कि हम ओपनसीवी लाइब्रेरी के थ्रू से हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन लैंग्वेज है जो ओपनसीवी लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है, C++ एंड पाइथन। तो हम इस ट्यूटोरियल में पाइथन पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे कि अब हम पाइथन यूज करने जा रहे हैं तो हमें पाइथन का इंटरप्रेटर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं पाइथन डाउनलोड करने के लिए। तो गूगल खोल के आप python.org सर्च कीजिए, python.org। सर्च करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड के बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डाउनलोड बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, मैक्स और अदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसको सपोर्ट, पाइथन हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे विंडोज पर क्लिक करता हूँ। अगर आप लिनक्स या तो मैक यूज करें तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे पाइथन के वर्जन है, जैसे कि 3.8, 2.7, यहाँ पे देखिए 3.8, यहाँ पे 2.7, 3.7। सो बहुत सारे यहाँ पे वर्जन है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लेटेस्ट वर्जन जो 3.82 का है ये डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर ले। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो इंस्टॉल होता है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ता है ताकि हम अपने कमांड से कोई भी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में या प्रोग्राम फाइल x86 में यहाँ पे एक पाइथन नाम का फोल्डर बन जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं बना है तो आपको बेसिकली क्या करना है कि अपने सी ड्राइव में जाना है, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यूजर में जाना है और यहाँ पे अपने अकाउंट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप डाटा यहाँ पे दिखाई देगा, अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया होगा तो यहाँ पे व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हिडन आइटम में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि ऐप डाटा ओपन करने के बाद आप लोकल में जाइए। लोकल के बाद प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पाइथन को खोलिए। उसके बाद python 36, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पाइथन है ना .exe फाइल, इसका पाथ कॉपी करना है। सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एक से नहीं वहां से नहीं, इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे जाइए, सिक्योरिटी में जाइए और इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करिए और कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे आइए
यहाँ पे पाथ होगा, यहाँ पे पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाथ दी रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं न्यू पे जाके जो आपने पाथ कॉपी किया है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। वो करने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फिर से जाइए, यहाँ पे स्क्रिप्ट होगा, अब स्क्रिप्ट होगा इसका पाथ आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो पाथ इसका कॉपी, इसका यहाँ से सिक्योरिटी में जाके इसका पाथ कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी, उसके बाद फिर यहाँ पे आइए और यहाँ पे फिर न्यू कीजिए। न्यू करने के बाद यहाँ पे जो हमने वहाँ पे लिखा था वो पेस्ट कर दीजिए, जबकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर लिखी है, तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। सो आई होप आपने कर लिया होगा। सो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। सो उसके लिए क्या करोगे, विंडोज प्लस आर की उसके बाद सीएमडी क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। अब यहाँ पे टाइप कीजिए पाइथन, अगर पाइथन इंस्टॉल होगा और पाथ इसका सेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा पाइथन। जैसे कि मैं यहाँ पे 3.6 वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो बेसिकली वहां पे 3.8 ही होगा। सो ये करने के बाद इसका मतलब हमारे पास हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लाइब्रेरी जो हम बात कर रहे थे ओपनसीवी लाइब्रेरी को, उसको हमें इंस्टॉल करना है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गूगल पर जाके आराम से सर्च कर सकते हैं पिप इंस्टॉल ओपनसीवी, जैसे कि पिप इंस्टॉल ओपन। तो यहाँ पे देखिए पाइथन जो पहला लिंक आएगा वहां पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए पीप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन है, इसको कॉपी कर लीजिए। सॉरी आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, उसके बाद उसको पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद इंटर। ध्यान रखिए कि इंस्टॉल करने के टाइम पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाई। सो उम्मीद है कि आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आगे के ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि आप ओपनसीवी की यूज करके हम बहुत सारे अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।